Hello everyone, this video is a sample recording from our live streaming classes for GATE and UGC NET. If you want to enroll for the live classes for GATE or UGC NET, please call us on the numbers that is given in this video, or you can also visit our website, which is www.digimentor.com. These live streaming classes are complete comprehensive courses, which is having full thorough coverage of all the previous year question papers as well as the course content for the exam preparation. All the best, please enjoy the video. Process from run to ready. Run to ready, आपको बताया गौरव, इधर देखिए, run to ready. जब आपको प्रायोरिटी दी गई हो या फिर आपको टाइम क्वांटम प्रोवाइड किया गया हो, जब आपकी आपको टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट चूज करना हो, जब आपको टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट में आपकी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना हो, दैट टाइम वी गो फॉर रन टू रेडी. दैट इज द प्रिम्पशन, और यही है आपका मेन प्रिम्पशन कि एक प्रोसेस है, यदि उसका प्रायोरिटी हाई है तो वो लोअर प्रोसेस को स्विच कर जाएगी. लोअर प्रोसेस को स्विच कर जाएगी मीन्स हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है वो पहले रन होगी एज कम्पेयर टू लोअर प्रोसेस. और जो लोअर प्रोसेस यदि यहाँ पे रन कर रही है और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस यदि रेडी स्टेट में है तो वो स्विच कर जाएंगे. ओके, हाई प्रायोरिटी रनिंग में चली जाएगी और लोअर प्रायोरिटी आपकी रेडी स्टेट में आ जाएगी फिर से. ओके, तो ये था आपका स्टेट डायग्राम. नेक्स्ट इज, यहां पे हमने बात की पीसीबी के बारे में, हमने पढ़ा था. तो हमारे पास पीसीबी के एट्रीब्यूट्स थे, पीसीबी के एट्रीब्यूट्स थे, और हमने बात की थी जब आपकी प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाती है तो उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, उसका पीसीबी अपडेट होता है, पीसीबी अपडेट होता है. हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. नेक्स्ट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, और यू कैन से प्रोसेस स्विचिंग, और यू कैन से प्रोसेस स्विचिंग. देखिए, हमारे पास होता क्या है कि जैसा हमने बात की थी प्रिम्प्टिव एनवायरनमेंट के बारे में, हमने बात की प्रिम्प्टिव एनवायरनमेंट के बारे में. तो प्रिम्प्टिव एनवायरनमेंट में हमारे पास क्या था कि यदि आपकी कोई प्रोसेस है हाई प्रायोरिटी रिलेटेड है या कोई टाइम एक्सपायर हो गया है तो वो फिर से रेडी स्टेट में चली जाएगी. तो उसके उस टाइम पे क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रही है आपकी. जैसा मैंने अभी आपको गौरव के केस में बताया, गौरव ने क्वेश्चन पूछा था कि रन टू रेडी कब जाते हैं, दैट टाइम स्विचिंग. आपकी दो प्रोसेसेस हैं, ये दो प्रोसेस हैं, दिस इज प्रोसेस वन एंड दिस वन इज प्रोसेस टू. ओके, ये दो प्रोसेसेस हैं. अब हमें क्या करना है, इन प्रोसेसेस को स्विच करना है, इन प्रोसेस को स्विच करना है. मींस आपकी ये प्रोसेस है, इस ये एग्जीक्यूट हो रही थी, नेक्स्ट प्रोसेस टू को हम रन करेंगे. तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, अब इन दोनों का जो डाटा है, अब इसके पास सीपीयू था, सीपीयू इसके पास था, तो इसका जो डाटा है उसको हम करेंगे सेव. सेव मीन्स इसके पीसीबी को अपडेट करेंगे कि अब ये रनिंग टू रेडी स्टेट में जाएगी या फिर रनिंग टू ब्लॉक स्टेट में जाएगी. और उस और प्रोसेस टू है उसको हम सीपीयू प्रोवाइड करेंगे, सीपीयू प्रोवाइड करेंगे मीन्स आपकी प्रोसेस पी टू का जो डाटा है उसको हम सीपीयू में लोड करेंगे, उसको हम सीपीयू में लोड करेंगे. अब इन दोनों के जो इस स्टेटस को मेंटेन करने के बीच में जो टाइम लगा, ठीक है, मीन्स इसके सेविंग में और इसकी लोडिंग में जो टाइम लगा उसके बीच में जो टाइम आता है उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम मीन्स इसको, इससे सीपीयू को डीएलोकेट करना है और प्रोसेस टू को सीपीयू अलोकेट करने के बीच में जो टाइम लगा, दैट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम. दैट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम, और यू कैन से कॉन्टेक्स्ट स्विच, प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच, और यू कैन से प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच, और यू कैन से प्रोसेस कॉन्टेक्स्ट स्विच, एंड दिस टाइम इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम. ओके, अब चलिए यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन, क्या यहां पे हमारे मोड्स भी चेंज होंगे, क्या यहां पे हमारे मोड्स भी चेंज होते हैं, मोड स्विचिंग होती है क्या, मींस यूजर मोड कर्नल मोड चेंज होता है कि नहीं होता है. अगर आप चेक करें तो अभी प्रोसेस पी वन था जो, उसके पास सीपीयू था, उसके पास सीपीयू था, सीपीयू उसके पास था मीन्स वो किस
मोड में रन कर रहा था? वो किस मोड में रन कर रहा था? यूजर मोड में या कर्नल मोड में? यूजर मोड में या कर्नल मोड में? मीन्स आपका सीपीयू है, ठीक है, यहां पे इस टाइम पे आपके पास क्या होगी? सबसे पहले ये मोड स्विचिंग होगी, मोड स्विचिंग होगी। क्यों होगी? क्योंकि सीपीयू का जो कॉन्टेक्स्ट है उसको भी तो सेव करना है, उसने जो डाटा दिया उसके बाद, इसके बाद फिर से इसको सीपीयू एलोकेट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो मोड स्विचिंग, दैट इज ऑल्सो मोड स्विचिंग। प्रोसेस P1 रन कर रही थी, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस P1 यूजर में, यूजर मोड में रन कर रही थी, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस P1 है वो यूजर मोड में रन कर रही थी, लेकिन अभी तो आपने उससे सीपीयू को डीएलोकेट कर दिया, अब वो यूजर मोड में थोड़ी है, अभी कंट्रोल किसके पास आ गया? ओएस के पास आ गया। और ओएस कहाँ पे रन करता है? कर्नल में रन करता है। ओएस कहाँ पे रन करता है? कर्नल में। अभी हमने पढ़ा था डिस्पैचर, डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। अभी हमने पढ़ा था डायग्राम में कि डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। यहां पे आप लिख सकते हो डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ओके, तो अब हमने चेक किया था डिस्पैचर का मीनिंग क्या है, कि एक प्रोसेसर रनिंग स्टेट में है, उसको या तो उसकी जगह पे दूसरी प्रोसेस को अपडेट करना है, तो उस टाइम पे कंट्रोल किसके पास आ रहा है? डिस्पैचर के पास। और डिस्पैचर कहां काम कर रहा है? ओएस के अंडर में काम कर रहा है। तो वो कहां पे जा रहे हैं कंट्रोल? कंट्रोल ऑटोमेटिकली कहां पे ट्रांसफर हो रहा है? कंट्रोल ओएस के पास जा रहा है। और ओएस कहां पे काम करता है? कर्नल में काम करता है। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है? मोड स्विचिंग हो रही है, यूजर मोड टू कर्नल मोड और कर्नल मोड टू यूजर मोड, कर्नल मोड टू यूजर मोड। तो यहां पे आपकी मोड स्विचिंग भी होती है, यहां पे आपकी मोड स्विचिंग भी होती है, ठीक है। एंड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मीनिंग क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मीनिंग है सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस, सेविंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन प्रोसेस एंड लोडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस, लोडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस। टू सीपीयू। ओके, जब आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हो, जब आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हो तो यहां पे आपकी दो चीजें काम में आती, एक तो सेविंग होती है। सेविंग कौन करता है? सेविंग करता है आपका लिंकर, ठीक है। और लोडिंग कौन करता है? लोडिंग करता है आपका लोडर, लोडिंग करता है आपका लोडर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलिए यहां पर बात करते हैं, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, P1 एंड P2 दो प्रोसेसेस हैं हमारे पास, नॉर्मली रन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नॉर्मली रन कर रहे हैं। P2 आपकी कहाँ पे है? रेडी स्टेट में है। और P1 आपकी रनिंग स्टेट में है, ठीक है। P2 आपकी, और उल्टा लिख लिया, चलिए चेंज कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग, ये आपकी रनिंग स्टेट में है और ये आपकी रेडी स्टेट में है। तो क्या करोगे? अब P2 को रन करना है और P1 को वापस रेडी स्टेट में लेके आना है, मींस प्रिम्पशन हो रहा है। तो इस टाइम पे क्या हो रहा है? P2 आपकी लोडिंग की जा रही है, P2 आपकी लोड की जा रही है और P1 आपकी सेव की जा रही है। इनका जो कॉन्टेक्स्ट है वो सेव किया जा रहा है। और जब आपकी स्विचिंग होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में आपका मेनली जो डिपेंडेंट होते हैं, ये चीजें डिपेंड होती हैं आपकी दो चीजों पे। फर्स्ट वन इज कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है। आप लिखिए यहां पे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डिपेंड ऑन, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट वन इज डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, सेकेंड वन इज बस्ट टाइम, सेकेंड वन इज बस्ट टाइम, थर्ड वन इज टाइम क्वांटम, टाइम क्वांटम रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, एंड फोर्थ थर्ड वन, चलिए तीन चीजें ही हैं। अब यहां पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग की हमने बात की,
डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग मीन्स कि कितनी प्रोसेसेस हैं एक टाइम पे आपकी मेन मेमोरी में होंगी, ठीक है। कम प्रोसेसेस होंगी तो क्या होगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपको कम करनी पड़ेगी। ज़्यादा प्रोसेसेस होंगी तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होगी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होगी सीपीयू ज़्यादा टाइम के लिए आइडल होगा, वहीं बस टाइम की हमने बात की, यदि बस टाइम ज़्यादा होगा, बस टाइम इज हाई देन मोर कॉन्टेक्स्ट स्विचेज, एंड बस टाइम इज लो मीन्स लेस कॉन्टेक्स्ट स्विच। और वहीं टाइम क्वांटम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के, टाइम क्वांटम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचेज। आप लिख सकते हो टाइम क्वांटम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉन्टेक्स्ट स्विचेज, जितना टाइम क्वांटम कम होगा उतने आपके कॉन्टेक्स्ट स्विचेज ज्यादा होंगे, और जितना टाइम क्वांटम ज्यादा होगा उतने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपके कम होंगे, ठीक है। बस टाइम का मीनिंग होता है कि आपकी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम चाहिए, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं, मेनली हम बात कर रहे थे कि आपकी प्रोसेस जब हम करते हैं, प्रोसेस P1 रेडी रनिंग स्टेट में थी, प्रोसेस P2 को रनिंग स्टेट में डालना है, तो जब प्रोसेस P1 है वो रनिंग से रेडी में जा रही है तो उसका क्या चेंज हो जा रहा है, PCB में अपडेशन होगा जो करंट प्रोसेस आपकी रन कर रही थी, ठीक है। सेकंड थिंग, आपकी अनदर प्रोसेस को सिलेक्ट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्टिंग एल्गोरिथम्स किसके द्वारा, सीपीयू शेड्यूलर के द्वारा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के द्वारा। फिर जिस प्रोसेस को सिलेक्ट किया गया है रनिंग के लिए उसका भी आपका पीसीबी अपडेट होगा, और जो पीसीबी रन करने वाली जो प्रोसेस उसके पीसीबी को अलोड किया जाएगा किसमें, आपके अपलोड किया जाएगा या रिस्टोर किया जाएगा किसमें, आपके सीपीयू में, ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट, सीपीयू जो आपका जो प्रोसेस शेड्यूलिंग और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है इस टाइम पे आपका सीपीयू आइडल होता है, ठीक है। इट इज एन ओवरहेड यहां पे लिख लीजिए, कॉन्टेक्स्ट स्विच इज एन ओवरहेड, एंड इट इज डिपेंड ऑन द हार्डवेयर्स, डिपेंडेंस ऑन द मेनली हार्डवेयर पे डिपेंड करता है कि आपके हार्डवेयर की स्पीड क्या है, डिपेंडेंट ऑन द हार्डवेयर, तो ये था हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, गौरव जब हम प्रोग्राम क्वेश्चन करेंगे तब आप चेक करना कि कैसे ये रिलेट होते हैं। कुछ समय के लिए इंतजार कीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए हमने बात की हमारी क्यूज के बारे में, हमारी स्टेट्स के बारे में। क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल, कंसीडर ए सिस्टम विद एन CPU और यू कैन से प्रोसेसर्स, देन व्हाट आर मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस इन रेडी रनिंग एंड ब्लॉक स्टेट। हाँ जी, चलिए टेबल बना देते हैं आपके लिए। स्टेट है आपकी, आपको बताना है मिनिमम एंड मैक्सिमम, रेडी स्टेट में कितनी प्रोसेस होंगी, प्रोसेसेस रनिंग स्टेट में कितनी प्रोसेस होंगी एंड ब्लॉक स्टेट में कितनी प्रोसेस होंगी। क्वेश्चन है आपका, अगर आपके पास एक सिस्टम है जिसमें n प्रोसेसर है, n सीपीयू है,
तो उस टाइम पे आपके रेडी स्टेट में कितनी प्रोसेस हो सकती है मिनिमम मैक्सिमम, रनिंग स्टेट में मिनिमम एंड मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हो सकती हैं और ब्लॉक स्टेट में कितनी प्रोसेसेस हो सकती हैं, प्लीज बताइए। यस गौरव, रेडी मिनिमम जीरो, ओके ओके मिनिमम जीरो, यस रनिंग मैक्सिमम एन, ओके मैक्सिमम आर एन, ओके मिनिमम जीरो एंड मैक्सिमम एन, ओके मैक्सिमम एन का मीनिंग है यहां पे आपकी सभी भी हो सकती हैं ऑल और एनी नंबर भी हो सकती है एनी नंबर्स, बिकॉज रेडी स्टेट में आप मूव करते हो ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आपका कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को। रनिंग में मिनिमम जीरो, नो वन इज रेडी टू रन, आपकी कोई भी प्रोसेस है अभी उसके पास कंप्लीट रिसोर्सेज नहीं है रनिंग स्टेट में जाने के लिए तो कोई भी प्रोसेस नहीं होगी, जीरो जीरो। एंड सेकेंड रनिंग रन कितनी कर सकती है, मैक्सिमम एन, बिकॉज आपके पास एन सीपीयू है, एन सीपीयू है तो सभी सीपीयूज के पास एक एक प्रोसेस है वो रनिंग में हो, बिकॉज ऑन द सीपीयू ओनली वन प्रोसेस इज रनिंग एट ए टाइम। और ब्लॉक में कि कोई भी प्रोसेस ब्लॉक ना हो, कोई भी प्रोसेस ब्लॉक नहीं हो, ठीक है, और मैक्सिमम इज एन, यू कैन से ऑल और एनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कि या तो आप अगर आपकी सभी प्रोसेसेस हैं उनको ओनली सीपीयू टाइम चाहिए, नो नीड ऑफ एनी इनपुट आउटपुट, तो सभी प्रोसेसेस सीपीयू में एग्जीक्यूट करेंगी और डायरेक्टली एग्जिट स्टेट में चले जाएंगे, ब्लॉक स्टेट में कोई प्रोसेस आएगी ही नहीं। और वहीं आपकी एन प्रोसेसेस कि आपकी सभी प्रोसेस हैं वो इनपुट आउटपुट कंप्लीट करने के लिए ब्लॉक स्टेट में आएंगी, तो मैक्सिमम कितनी आ सकती है, एन प्रोसेसेस, ऑल प्रोसेसेस जितनी भी प्रोसेस हैं आपके पास वो सभी आ सकती हैं। हियर यू कैन नॉट राइट एन, प्लीज हियर नॉट राइट एन, ऑल मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रोसेसेस हैं, सीपीयू कितने हैं एन और प्रोसेसेस हैं पी एंड पी इज ग्रेटर देन एन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एन सीपीयू है यहां पे और आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं पी, नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं पी, पी प्रोसेस, ठीक है, तो और पी इज ग्रेटर देन एन, पी इज ग्रेटर देन एन, तो मींस रेडी स्टेट में कितना हो सकता है, एक भी प्रोसेस नहीं हो, एक भी प्रोसेस रेडी नहीं है, मिनिमम जीरो। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम आपकी पी, सभी पी रेडी हो सकती हैं या फिर पी में से कुछ प्रोसेसेस हैं वो रेडी हो सकती हैं। रनिंग स्टेट में, रनिंग में जीरो, एक भी रन के लिए रेडी नहीं है, और या फिर मैक्सिमम कितनी प्रोसेस रनिंग कर सकती हैं एक टाइम पे, एन प्रोसेस, मैक्सिमम एन प्रोसेस, जितने आपके सीपीयू हैं उतनी प्रोसेस ही मैक्सिमम एक टाइम पे रनिंग स्टेट में होंगी। और ब्लॉकिंग में एक भी प्रोसेस है वो आपकी ब्लॉक ना हो, या फिर आपकी सभी पी प्रोसेसेस हैं ऑल आर इन द ब्लॉक स्टेट, ऑल पी प्रोसेसेस आर इन द ब्लॉक स्टेट और सम ऑफ द प्रोसेसेस फ्रॉम द आउट ऑफ पी आर इन द ब्लॉक स्टेट, ओनली सम ऑफ प्रोसेस आउट ऑफ पी आर इन द ब्लॉक स्टेट, ओके, देन यू कैन नॉट से हियर एन एंड एन, बिकॉज आपकी प्रोसेस है नंबर ऑफ प्रोसेस वो नंबर ऑफ सीपीयू से ज्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। एनी डाउट रिलेटेड टू टिल, अगर आपको अब तक के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज बताइए, अब तक के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। नेक्स्ट वी विल गो फॉर द सीपीयू शेड्यूलिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज सीपीयू शेड्यूलिंग, नेक्स्ट टॉपिक इज सीपीयू शेड्यूलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाना सीपीयू शेड्यूलिंग कब होती है, सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होती है, चलिए इसका मेन गोल क्या है सबसे पहले ये जानते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग का मेन गोल क्या है। हमने बात की सीपीयू, सीपीयू अलोकेट करना प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए, कहां पे होता है, रेडी टू रन स्टेट में, कौन करता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। मेन मोटो क्या है, मेन गोल क्या है, सबसे पहली बात गोल क्या है इसका,
कि सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारा मैक्सिमम हो, मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड मैक्सिमाइज द थ्रोपुट, मैक्सिमाइज द थ्रोपुट, मैक्सिमाइज द थ्रोपुट. इन चीजों को इंक्रीज करना, हमारे सीपीयू को बिजी रखना, हमारे गिवन एक यूनिट ऑफ टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना, दैट इज द मेन गोल ऑफ सीपीयू शेड्यूलिंग. अब फर्स्ट सबसे पहली चीज सीपीयू शेड्यूलिंग इज ब्रिंग ए प्रोसेस फ्रॉम रेडी स्टेट, फ्रॉम रेडी स्टेट एंड प्रोवाइड सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन एंड प्रोवाइड सीपीयू फॉर एग्जीक्यूशन. चलिए प्रोसेस को रेडी स्टेट से लेके आना और उसको सीपीयू अलोकेट करना किसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए. सेकेंड थिंग, अब ये करता कौन है, सबसे पहली चीज कौन करता है, इसको करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, इस काम को करता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और इसकी हेल्प करता है डिस्पैचर. डिस्पैचर क्या करता है, डिस्पैचर करता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. और कहां पे होती है शेड्यूलिंग, वेयर, कहां पे होती है, प्रोसेस को कहां से ब्रिंग करते हैं, रेडी स्टेट से. रेडी स्टेट से हम अपना सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं और एक प्रोसेस को रेडी क्यू से सीपीयू लोकेट करके रनिंग स्टेट में लेके आते हैं. और कब होता है, व्हेन, कब होता है, जब हमारी रनिंग जो स्टेट है वो फ्री हो, जब रनिंग स्टेट है वो फ्री हो, मींस रनिंग स्टेट से कोई प्रोसेस है वो एग्जिट स्टेट में गई हो, या रनिंग स्टेट से कोई प्रोसेस है वो ब्लॉक स्टेट में चली गई है, या रनिंग स्टेट से कोई प्रोसेस है वो ब्लॉक सॉरी किसमें रेडी स्टेट में चली गई है, प्रिम्पशन अक्कर हो गया है. मीन्स आपका जब भी रेडी स्टेट रनिंग स्टेट है वो फ्री होगा, उसी टाइम पे होगा आपका क्या, आपका सीपीयू शेड्यूलिंग, आपका सीपीयू शेड्यूलिंग. वहीं अगर हम बात करें, अगर हम प्रोसेसेस की प्रायोरिटी पे बात करते हैं, तो आप चेक कर सकते हो कि आपका जब वेटिंग से रेडी स्टेट में होता है तब भी आपका रनिंग स्टेट में काम होती है. हम रेडी स्टेट में लेके आते हैं प्रोसेस को तो वहां पे भी आपकी सीपीयू शेड्यूलिंग की जरूरत होती है, जब कोई भी ट्रांजिशन होगा, जब कोई भी ट्रांजिशन होगा इस टाइप का. ठीक है, न्यू टू रेडी स्टेट, मेन कहां पे आ रहे हैं हम, रेडी पे परफॉर्म करना है हमको क्या, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, सीपीयू शेड्यूलिंग क्राइटेरिया. अब हम सीपीयू को अलोकेट करते हैं किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए. अब उस अलोकेशन कर रहे हैं तो वहां पे प्रोसेस को कुछ टाइम्स की भी जरूरत होती है. टाइम की मींस कि कितने टाइम के लिए रन होगी, या कितने टाइम के बाद ये प्रोसेस है इसका आउटपुट हमें मिलेगा, या कितने टाइम के बाद ये कंप्लीट हो जाएगी, या कितने टाइम के लिए इसको वेट करना पड़ेगा. ठीक है, या फिर कितने स्लॉट्स में ये है एग्जीक्यूट करेगी. तो इन सभी चीजों के लिए हमारे पास होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइमर्स, कुछ इंपॉर्टेंट टाइमर्स. ओके, तो देखते हैं हमारे टाइमर्स रिलेटेड टू सीपीयू शेड्यूलिंग. टाइमर्स में हमारे पास सबसे पहले आता है दैट इज अराइवल टाइम. का मीनिंग है अराइवल, वर्ड है यहां पे अराइवल. अराइवल का मीनिंग मींस कि जब कोई प्रोसेस या क्या होगी, अराइव होगी किसमें, रेडी स्टेट में. किसमें, रेडी स्टेट में. टाइम एट विच एनी प्रोसेस इज एंटर्स द रेडी स्टेट, टाइम एट विच अ प्रोसेस अराइव इन द रेडी स्टेट. अब रेडी स्टेट में आने के बाद प्रोसेस कहां पे जाती है, एग्जीक्यूशन के लिए. एग्जीक्यूशन के लिए कहां पे जाएगी, रनिंग स्टेट में, दैट इज बस्ट टाइम. एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए, टाइम रिक्वायर्ड टू बाय प्रोसेस, टाइम रिक्वायर्ड बाय प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन और यू कैन से फिनिश द जॉब.
कि जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए प्रोसेस को, दैट इज बस टाइम. नेक्स्ट, अब बस क्या होगी प्रोसेस लास्ट में, काम करने के बाद कंप्लीट होगी, दैट इज कंप्लीशन टाइम. दैट इज कंप्लीशन टाइम. कंप्लीशन टाइम मीन्स टाइम एट विच प्रोसेस इज कंप्लीट. टाइम एट विच प्रोसेस इज कंप्लीट. प्रोसेस इज कंप्लीट. ओके, फोर्थ, अब कंप्लीट हो गई है प्रोसेस तो मींस क्या होगा. ऐसा तो है नहीं कि प्रोसेस जस्ट सीपीयू एलोकेट किया और कंप्लीट हुई और एग्जिट कर गई. नहीं, हमारी प्रोसेस को यदि इनपुट आउटपुट की जरूरत है तो प्रोसेस किसमें जाती है, ब्लॉक स्टेट में. प्रोसेस किसमें जाती है, वेटिंग स्टेट में. तो वहां पे उसका क्या होगा, कुछ वेटिंग टाइम भी होगा कि उसे कितने टाइम के लिए वेट करना पड़ा. वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम इज योर वेटिंग टाइम. क्या होगा वेटिंग टाइम, मींस अगर बात करें तो कितने टाइम्स के लिए प्रोसेस को वेट करना पड़ा, कितने टाइम्स के लिए प्रोसेस को वेट करना पड़ा. जैसे पहले कंप्लीट किया सीपीयू आउटपुट, फिर वेटिंग स्टेट में चली गई, ब्लॉक स्टेट में चली गई, वहां पे इनपुट आउटपुट कंप्लीट किया, दैट इज इन वेटिंग स्लॉट, अगेन रेडी स्टेट में, एंड इट इज ऑल्सो वेटिंग इन द रेडी स्टेट फॉर द सीपीयू. नेक्स्ट सीपीयू अलोकेट हुआ, कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया, फिर से इनपुट आउटपुट की जरूरत है तो वेटिंग स्टेट में चली जाएगी, सेकेंड स्लॉट ऑफ वेटिंग. तो इस टाइम से स्लॉट्स बनते रहते हैं, इस टाइम से क्या होता है, स्लॉट्स बनते रहते हैं. ठीक है, तो वो स्लॉट्स जब हम टोटल काउंट करते हैं तो हमें मिलता है कि कितनी टाइम के लिए प्रोसेस ने रन नहीं किया, कितने टाइम के लिए प्रोसेस ने एग्जीक्यूट नहीं किया. दैट इज सम ऑफ डिस्क्रीट स्लॉट्स, सम ऑफ डिस्क्रीट स्लॉट्स. कौन से स्लॉट्स, ड्यूरिंग विच प्रोसेस इज नॉट रनिंग. कौन से स्लॉट्स, ड्यूरिंग विच प्रोसेस इज नॉट रनिंग. ड्यूरिंग विच प्रोसेस इज नॉट रनिंग. जब हम वेटिंग टाइम फाइंड आउट करते हैं तो इसके लिए हमें जरूरत होती है एक और टर्म की, दैट इज टर्न अराउंड टाइम. दैट इज टर्न अराउंड टाइम. चलिए टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है. टर्न अराउंड टाइम आपका होता है कि आपकी प्रोसेस कब अराइव हुई थी और उसको फिनिश करने में कितना टाइम लगा. आपकी प्रोसेस है वो कब अराइव हुई थी और उसको फिनिश करने में टोटल कितना टाइम लगा. दैट इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. एंड फ्रॉम हियर योर वेटिंग टाइम इज, यहां से हमें क्या पता चलेगा कि टोटल टाइम कितना लिया प्रोसेस ने, प्रोसेस ने रेडी स्टेट में एंटर करने के बाद कंप्लीट कितनी कितने टाइम पे किया. तो मींस प्रोसेस कितने टाइम के लिए किस में रही, मेन मेमोरी में रही. प्रोसेस कितने टाइम के लिए मेन मेमोरी में रही, ठीक है, और वो मूव करती रही हमारी रेडी, रन एंड ब्लॉक स्टेट्स में. अब इसको कंप्लीट हुई उसके बाद अराइवल टाइम मीन टोटल टर्न अराउंड टाइम मिला. टोटल टर्न अराउंड टाइम में से कितने टाइम के लिए उसने एग्जीक्यूशन किया, कितने टाइम के लिए उसने एग्जीक्यूशन किया, मींस कितने टाइम के लिए उसको सीपीयू लोकेट किया गया, दैट इज योर वेटिंग टाइम. जब हमें टोटल टर्न अराउंड टाइम मिल जाएगा, यदि उसमें से हम हमारा सीपीयू कितने टाइम के लिए था, प्रोसेस कितने टाइम के लिए सीपीयू में रन कर रही थी, उसको माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा वेटिंग टाइम. और आप इन दोनों से एक और फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो, दैट इज टर्न अराउंड टाइम इज इक्वल टू, टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू वेटिंग टाइम प्लस बस्ट टाइम. वेटिंग टाइम प्लस बस्ट टाइम. यहां से भी आपका एक फॉर्मूला जनरेट होता है जो आपकी कभी कई बार मदद करेगा. ओके, नेक्स्ट इज थ्रोपुट. नेक्स्ट इज थ्रोपुट. थ्रोपुट, व्हाट इज थ्रोपुट, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज थ्रोपुट, नंबर ऑफ प्रोसेसेस, number of processes executed within an observation time. Number of processes executed in an observation time.
आप कोई टाइम रखते हो कि इतने टाइम के लिए हमें ऑब्जर्व करना है, इस गिवन ऑब्जर्वेशन टाइम के दौरान कितनी प्रोसेसेस हैं वो एग्जीक्यूट हो गई हैं, कितनी प्रोसेसेस जो वो कंप्लीट हो चुकी हैं, ठीक है। एंड वन मोर टाइम इज रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम का मीनिंग है कि आपकी प्रोसेस रेडी स्टेट में आने के बाद उसे कब सीपीयू अलोकेट हुआ। प्रोसेस अराइव हो गई रेडी स्टेट में, लेकिन उसको सीपीयू कब मिला, उसको फर्स्ट रिस्पॉन्स कब दिया उसने, उसको सीपीयू के साथ इंटरेक्शन कब हुआ, ठीक है। दैट इज द रिस्पॉन्स टाइम, मीन्स प्रोसेस स्टार्टिंग टाइम, प्रोसेस स्टार्टिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम, स्टार्टिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम, दैट इज रिस्पॉन्स टाइम। तो ये है हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स रिलेटेड टू आवर सीपीयू शेड्यूलिंग, रिलेटेड टू आवर प्रोसेस, रिलेटेड टू आवर प्रोसेस। अब जानते हैं सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स, हमने बात की थी कि हमारा प्रोसेस है जो वो दो एनवायरमेंट्स में काम करती है, वन इज यूनी प्रोग्रामिंग एंड सेकेंड इज मल्टी प्रोग्रामिंग। और मल्टी प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास क्या होता है, प्रिम्प्टिव एंड नॉन प्रिम्प्टिव, प्रिम्प्टिव एंड नॉन प्रिम्प्टिव। तो ऐसे ही हमारे पास होती है हमारे सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। कुछ होते हैं प्रिम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स और कुछ होते हैं नॉन प्रिम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक एल्गोरिथम के साथ। सबसे पहले जानते हैं हमारा सबसे पहला सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गो, ठीक है, FCFS, दैट इज फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम आपके मेनली जो क्राइटेरिया होता है शेड्यूलिंग का वो होता है आपकी प्रोसेसेस का अराइवल टाइम, वो होता है आपकी प्रोसेसेस का अराइवल टाइम कि कौन सी प्रोसेस किस टाइम पे अराइव हुई है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, इट इज नॉन प्रिम्प्टिव, इट इज नॉन प्रिम्प्टिव मीन्स यहाँ पे आपका कोई प्रिम्प्शन अक्कर नहीं होगा, जो प्रोसेस पहले आई है वो पहले एग्जीक्यूट होगी। नाम से ही पता चल रहा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आइए पहले पाइए, ठीक है। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से चेक करते हैं हम, फर्स्ट सर्व फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ओके। एग्जाम्पल है हमारे पास, दिस इज प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम एंड बस टाइम। प्रोसेस 1, 2, 3, 4 एंड 5, फाइव प्रोसेस है हमारे पास। अराइवल टाइम इज 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड बस टाइम इज 3, 1, 2, 5 एंड 4। फाइंड इट्स एवरेज वेटिंग टाइम एंड फाइंड इट्स एवरेज टर्न अराउंड टाइम। चलिए अब चेक करते हैं कि ये कैसे एग्जीक्यूट होंगी। तो किसी भी प्रोसेस को हम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास होती है एक टर्म, दैट इज गैंट चार्ट, दैट इज गैंट चार्ट। हम जब भी किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं, सीपीयू एलोकेट करते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हमारा गैंट चार्ट, गैंट चार्ट। गैंट चार्ट में क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट गैंट चार्ट से रिलेटेड कि आपका गैंट चार्ट हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। ऑल प्रोसेस गैंट चार्ट स्टार्ट फ्रॉम द अराइवल टाइम इक्वल टू जीरो एंड प्रोसेस इज एग्जीक्यूट फर्स्ट, प्रोसेस इज एग्जीक्यूट फर्स्ट हुज अराइवल टाइम इक्वल टू जीरो, हुज अराइवल टाइम इक्वल टू जीरो। सबसे पहले आपका अराइवल टाइम से गैंट चार्ट स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स विथ अराइवल टाइम इक्वल टू जीरो। सेकेंड थिंग, फर्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट्स हुज अराइवल टाइम इक्वल टू जीरो एंड आफ्टर दैट, आफ्टर दैट फॉलो द शेड्यूलिंग क्राइटेरिया, फॉलो द शेड्यूलिंग क्राइटेरिया। उसके बाद आप अपना शेड्यूलिंग क्राइटेरिया फॉलो कीजिए जो क्राइटेरिया आपकी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग है, ठीक है।
चलिए गैंट चार्ट से जानते हैं। हमारे सामने ये प्रोसेसेस हैं, उनका अराइवल टाइम है और बस टाइम गिवन है। तो बनाते हैं इनका गैंट चार्ट। ये है आपका गैंट चार्ट। एवरी गैंट चार्ट स्टार्टिंग विद द अराइवल टाइम इक्वल टू जीरो। एवरी गैंट चार्ट स्टार्ट विद द अराइवल टाइम इक्वल टू जीरो। तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जीरो से हमने स्टार्ट किया अराइवल टाइम। ये गैंट चार्ट का टाइम है, अराइवल टाइम यहाँ पे लिखते हैं। अराइवल टाइम जीरो पे, कौन सी प्रोसेस अराइव हो रही है जीरो टाइम पे, सबसे पहले चेक कीजिए कौन सी प्रोसेस आपकी जीरो टाइम पे अराइव हो रही है। अगर आप चेक करेंगे तो जीरो टाइम पे आपकी प्रोसेस है वन। प्रोसेस वन इज अराइव एट टाइम इक्वल टू जीरो। प्रोसेस वन इज अराइव एट टाइम इक्वल टू जीरो। जो प्रोसेस पहले आई है उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, और कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट होगी, तीन यूनिट के लिए। तीन यूनिट के लिए आपकी प्रोसेस है P1, वो एग्जीक्यूट होगी। लेकिन इस दौरान अगर हम चेक करें, जब प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट हो रही है तीन यूनिट के लिए, तो उस दौरान कुछ और प्रोसेसेस भी अराइव होती हैं। कौन सी प्रोसेस अराइव हो रही है, आपकी वन टाइम पे प्रोसेस P2 अराइव हो जाती है, टू यूनिट ऑफ टाइम पे प्रोसेस P3 अराइव हो जाती है, और थ्री यूनिट ऑफ टाइम पे प्रोसेस P4 अराइव हो जाती है। तो ये प्रोसेसेस भी हमारी क्या होगी, अराइव हो जाती हैं P1 के एग्जीक्यूशन के दौरान। नेक्स्ट, अब P1 कंप्लीट हो चुकी है, P1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट P2, जब आप गैंट चार्ट बनाते हो तो उसके साथ साथ हम मेंटेन करते हैं एक रेडी क्यू। जब आप गैंट चार्ट बनाते हैं तो उसके साथ मेंटेन करते हैं हम लोग एक रेडी क्यू। रेडी क्यू आपको बताता है कि कौन कौन सी जॉब्स हैं आपकी वो रेडी स्टेट में अभी हैं। तो सबसे पहले हमारा कौन था, P1। P1 के बाद कौन अराइव हुआ, P2। P2 के बाद P3। P3 के बाद P4। P1 कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट प्रोसेस कौन है, P2। नेक्स्ट प्रोसेस कौन है, P2। P2 को कितने टाइम चाहिए, वन यूनिट ऑफ टाइम। P2 को कितना टाइम चाहिए, वन यूनिट ऑफ टाइम, फोर। और इस फोर के दौरान, इसके एग्जीक्यूशन के दौरान आपकी प्रोसेस फोर यूनिट्स ऑफ टाइम जब ये एग्जीक्यूट करती है, तो उस दौरान आपकी प्रोसेस P5 भी अराइव हो जाती है। अब आपकी P2 एग्जीक्यूट हो चुकी है, P2 एग्जीक्यूट हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस कौन है रेडी क्यू में, P3 को एग्जीक्यूट करेंगे, कितने टाइम यूनिट के लिए एग्जीक्यूट होगा, दो यूनिट ऑफ टाइम के लिए, 4 + 2 = 6। P3 एग्जीक्यूटेड, नेक्स्ट प्रोसेस इज P4। नेक्स्ट प्रोसेस इज P4। P4 एग्जीक्यूट करेगी कितने टाइम यूनिट के लिए, P4 नीड 5 यूनिट ऑफ टाइम, देन 6 + 5 = 11। P4 इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट प्रोसेस इज P5। P5 एग्जीक्यूट करेगी नेक्स्ट, P5 को कितने यूनिट ऑफ टाइम चाहिए, 4 यूनिट ऑफ टाइम, 11 + 4 = 5। P5 ऑल्सो एग्जीक्यूट्स, देन ऑल प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द रेडी क्यू, no one is remaining, means our execution is completed. Okay, सभी processes execute हो चुकी हैं। अब देखिए इसका निकालिए completion time. Now find out the completion time of your processes. Completion time of P1 is, P1 का completion time क्या है, अगर आप फाइंड आउट करें P1 का कंप्लीशन टाइम, P1 किस टाइम पे कंप्लीट होती है, 3 यूनिट्स ऑफ टाइम पे। P1 इज कंप्लीटेड एट 3 यूनिट ऑफ टाइम, P2 इज कंप्लीटेड एट 4 यूनिट ऑफ टाइम, एंड P3 एट 6, एंड P4 एट 11, एंड P5 एट 15। नेक्स्ट वी नीड टू फाइंड टर्न अराउंड टाइम। नेक्स्ट इज टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम इज, फॉर्मूला हमारे पास है, टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। माइनस कर दीजिए, टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीशन माइनस अराइवल टाइम। फाइंड आउट कीजिए, 3 - 0 = 3, 4 - 1 = 3, 6 - 2 = 4, 11 - 3 = 8, 15 - 4 = 11. आपका टर्न अराउंड टाइम मिल गया आपको। नेक्स्ट हमें चाहिए वेटिंग टाइम, एंड वेटिंग टाइम इज टर्न अराउंड टाइम
minus burst time, turn around time minus burst time. Find out कीजिए waiting time. Waiting time is turn around time minus burst time. Okay, 3 minus 3, 0. 3 minus 1, 2. 4 minus 2, 2. 8 minus 5, 3. And 11 minus 4 is 7. तो आपको यहां से मिलेगा आपकी सभी processes का turn around time as well as waiting time. अब आपको find out क्या करना है? हमें find out करना है यहां पे average waiting time and average turn around time. Average waiting time find out कर दीजिए. Average turnaround time find out कीजिए. 3 plus 3, 6, 6, 4, 10, 10, 8, 18, 18 and 11 is 29 by 5. Average turnaround time आपके सामने है, that is 29 by 5. Next हमें find out करना है average waiting time. Next हमें find out करना है average waiting time. Add कीजिए 0, 2, 2, 2 and 2, 4, 4, 3, 7, 7, 7 is 14, 14 by 5. This is your average waiting time. This is your average waiting time. तो ये क्या है आपका average waiting time है. आपका average waiting time है. Okay? तो ऐसे हमें find out करना है हमारा scheduling criteria. और यहाँ पे अगर हम check करें, तो हमारा scheduling sequence क्या है? Processes का scheduling sequence P1, P2, P3, P4 and P5. First come, first serve. जो पहले आया, वो पहले पाएगा. जो पहले आएगा, वो पहले पाएगा. Means, जिसका arriving first पहले है, उसका chance उसको पहले मिलेगा execute करने के लिए. Okay? तो ऐसे आपको find out करने हैं आपकी first come, first serve. Any question related to this? Anyone have any query related to this? किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है, ये आपके लिए है. एक क्वेश्चन है जो आपको ट्राई करना है. वी हैव थ्री प्रोसेसेस P1, P2 एंड P3. अराइवल टाइम इज 0, 1 एंड 1. बस टाइम इज 22 एंड 1. 22 and 1. Please try this question. Please try this question. इस question को try कीजिए please. यहां पे एक चीज note कीजिएगा. P2 and P3 both have the same arrival time. P2 and P3 both have the same arrival time. If two processes have the same arrival time, we will check for the lowest process ID. If the arrival time of processes are same, then schedule the process which has the lowest process ID. Note डाल लीजिए. If two processes have the same arrival time, then schedule the process. Schedule किस process को schedule करेंगे? Schedule the process which has the lowest. Schedule the process which has lower process ID. Lower process ID. Please try कीजिए इस क्वेश्चन को. चलिए चेक करते हैं. गैंट चार्ट मेंटेन करेंगे. 0, arrival time 0. At 0, and we also maintain our ready queue. Ready queue को भी हम maintain करेंगे. First one, 0 पे कौन arrive होता है? First P1 process. Process P1 arrive at 0. And it will go for 20. And it will go for 20. Bus time कितना है P1 का? 20. तो P1 complete हुई. P1 जब आपकी run कर रही थी, उस time पे P1 के running के दौरान आपका one time unit पे P2 as well as P3, P2 as well as P3, दोनों processes arrive होती हैं. लेकिन हमने बात की थी, जब आपका bus time same होगा, तो कौन सी process को हम schedule करेंगे?
कौन सी प्रोसेस को शेड्यूल करेंगे जिसका प्रोसेस आईडी लो होगा. तो यहां पे आपकी P2 एंड देन P3. P1 इज कंप्लीटेड, नाउ गो फॉर इन रेडी क्यू वी हैव P2 इज रनिंग फॉर 2 यूनिट ऑफ टाइम 22. P2 इज कंप्लीटेड, नाउ वी हैव प्रोसेस P3 इन द रेडी क्यू. P3 इज रनिंग फॉर 1 यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज P3. नाउ P3 ऑल्सो कंप्लीटेड, ऑल द प्रोसेस आर कंप्लीट एग्जीक्यूशन. Now maintain their completion time and turnaround time. Completion time check करें. P1 is completed at 20. P2 is completed at 22. And P3 is completed at 23. Now find turnaround time and waiting time. Turnaround time कितना होगा? Formula here, completion time minus arrival time. 20 minus 0 is 20. Now 22 minus 1, this is 21. 21, 3 minus 1 is 22 units of time. Okay, देखिए यहां पे turn around time को कुछ लोगों को वो हो सकता है, problem हो सकती. देखिए क्या होता है actual में, हमारा P3 का टर्न अराउंड टाइम कितना है? 23 मींस कि आपकी टर्न अराउंड टाइम इज कंप्लीट कितनी देर में हुई. अगर आप चेक करें तो P2 आपकी अराइव कब हो रही है? 1 पे. P2 अराइव कब हुई? 1 यूनिट ऑफ टाइम पे. और P3 कंप्लीट कब हुई? 23 यूनिट ऑफ टाइम पे. 23 माइनस 1 इज 22, मींस कि कितने टाइम के लिए प्रोसेस P3 है वो सिस्टम में रही, कितने टाइम के लिए प्रोसेस P3 है वो सिस्टम में रही. दिस इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ P3. Now find waiting time. 20 minus 20, 0. 21 minus 2, 19. 22 minus 1 is 21. Find out the average. Average turnaround time is equal to 20 plus 21 plus 22. That is, add कीजिए सभी को. Add कीजिए. This is nearly equal to 63/3. Means 21. And average waiting time is 19 plus 20, 40/3. This is nearly equal to 13.33. Okay, यहाँ पे main point क्या है discussion के लिए? सबसे पहले main point क्या है? Main point ये है कि आप check कीजिए. सबसे पहले P1 है वो हाईएस्ट बस टाइम के साथ आई. P1 है उसका बस टाइम सबसे ज़्यादा है. उसके बाद जो प्रोसेस आई हैं आपकी अराइव हुई हैं उनका बस टाइम वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू P1. ठीक है, तो मीन्स आप चेक करेंगे तो आपकी टर्न अराउंड टाइम भी ज़्यादा रहा. किसका? P1 का एंड P2 का. और उसके साथ साथ आपकी P2 एंड P3 का वेटिंग टाइम भी बहुत हाई रहा. इसके कारण क्या हुआ? हमारा जो एवरेज वेटिंग टाइम आया वो बहुत ही हाई आया है. इसके कारण क्या हो रहा है? हमारा एवरेज वेटिंग टाइम है वो भी बहुत हाई आ रहा है. इसको बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट. दिस इज कॉल्ड कॉन्वॉय इफेक्ट एंड दिस इज द डिसएडवांटेज. कॉन्वॉय इफेक्ट. कॉन्वॉय इफेक्ट क्या कहता है कि अगर आपकी कोई प्रोसेस हाई बस टाइम के साथ अक्कर हो जाती है, ठीक है, व्हेन ए प्रोसेस विद द लार्ज बस टाइम देन इट विल हैव द ह्यूज इंपैक्ट ऑन द एवरेज वेटिंग टाइम. एंड आवर सिस्टम विल गो इनटू द स्टारवेशन. स्टारवेशन का मीनिंग है कि आप वेट करते रहिए. अगर आप चेक करें तो P2 ने कितने टाइम के लिए वेट करना पड़ा? 19 यूनिट ऑफ टाइम के लिए वेट करना पड़ा. ठीक है, दिस इज द स्टारवेशन कि P2 है वो वेट किए जा रहा है. अराइव कितने पे हुआ? 1 यूनिट ऑफ टाइम पे. लेकिन उसको CPU कब मिला? 20 यूनिट्स ऑफ टाइम पे. तो आपके प्रोसेस P2 को 1 यूनिट ऑफ टाइम से वेटिंग स्टार्ट करना पड़ा कि उसको CPU कब अलोकेट होगा. और वो वेट कर रहा है,
ठीक है, और 20 यूनिट ऑफ टाइम पे उसको जाके सीपीओ मिलता है, दैट इज द स्टार्वेशन प्रोसेस, मीन्स यू कैन से लॉन्ग वेटिंग, लॉन्ग वेटिंग, स्टार्वेशन इज ए लॉन्ग वेटिंग। लॉन्ग वेटिंग किस लिए, कि आपको जो रिसोर्स चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए वो रिसोर्स ऑलरेडी किसी और के पास है, ऑलरेडी किसी और को अलोकेट किया हुआ है, ठीक है। एंड कॉनवाई इफेक्ट इज व्हेन द फर्स्ट प्रोसेस हैविंग लार्ज बस टाइम, व्हेन द फर्स्ट प्रोसेस हैविंग द लार्ज बस टाइम, लार्ज बस टाइम, देन इट हैव the whose impact on the whose effect on the average waiting time, on the average waiting time, तो आपका average waiting time भी है वो बहुत ही high आएगा, and processes after that it going to the starvation, and processes after that going into the starvation, going into starvation, तो आपकी जो processes हैं जो उसके बाद अक्कर हुई हैं वो starvation में चली जाएंगी, okay? चलिए इसी के साथ हमारे पास एक question और है, इसी के साथ हमारे पास एक question और है, उसको try कीजिए। We have three processes. Process number arrival time and bus time. Process P1 with arrival time 0 and bus time equal to 2. Process P2 arrival time is 3 and bus time is 1. Process P3 arrival time is 5 and bus time is 6. Find the average waiting time and turnaround time. Find the average waiting time and turnaround time. सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, गैंट चार्ट हमें मेंटेन करना है, रेडी क्यू मेंटेन करेंगे, गैंट चार्ट स्टार्ट विद जीरो, अराइवल टाइम इक्वल टू जीरो, जीरो पे कौन अक्कर होता है, प्रोसेस पी वन अक्कर एट जीरो, ओके, प्रोसेस पी वन सबसे पहले अक्कर होती है, और प्रोसेस पी वन नीड टू यूनिट्स ऑफ टाइम, प्रोसेस पी वन नीड्स टू यूनिट ऑफ टाइम, टू यूनिट ऑफ टाइम प्रोसेस पी वन कंप्लीट हो जाती है, और उस दौरान हमारे कोई भी अनदर प्रोसेस है वो अराइव नहीं हो रही है, तो हम वेट करेंगे एट थ्री यूनिट ऑफ टाइम, पी टू विल अकर एंड पी टू विल अराइव, ड्यूरिंग दिस आवर सीपीयू इज आइडल, आवर सीपीयू इज आइडल, नो वर्किंग, ओके, एट थ्री प्रोसेस पी थ्री पी टू अराइव, प्रोसेस पी टू अराइव नीड्स ओनली वन यूनिट ऑफ टाइम, इट विल कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन एट द फोर यूनिट ऑफ टाइम, P2 complete, no other process, then we will wait for some unit of times at 5 unit of time, at 5 unit of time P3 will arrive, P3 arrive, P3 in the ready queue, we will go for the P3 execution and P3 execute for 6 unit of time, 5 plus 6 is 11, 5 plus 6 is 11, all the processes are executed, find out the completion time and average time, turnaround time and waiting time, turnaround time and waiting time, first of all find out completion time, P1 completed at 2, P2 completed at 4 and P3 completed at 11, turnaround time, completion time minus arrival time, 2 minus 0, 2, 4 minus 3, 1, 6 minus 5, 4 minus 3, 1, 11 minus 5, 6, This is the turnaround time. P3 5 पे arrive होती है और 11 पे complete हो जाती है. P4 3 पे arrive होती है और 4 पे complete हो जाती है. Please check for the waiting time. Waiting time is turnaround time minus bus time. 2 minus 2 is 0. 1 minus 1 is 0. And 6 minus 6 is 0. चलिए और response time क्या है यहाँ पे? Response time is process arrive at some time and at what time it will interact with the CPU. अगर आप check करें तो process P1 zero पे arrive होती है और उसको arrive होते ही CPU मिल जाता है. This is zero time पे. And next process P2 three पे arrive होती है और उसको तुरंत क्या मिल जाता है? CPU मिल जाता है.
तो इसका रिस्पॉन्स टाइम है 3 यूनिट ऑफ टाइम. प्रोसेस P3 5 यूनिट ऑफ टाइम पे अराइव होती है और उसको तुरंत CPU मिल जाता है. मीन्स प्रोसेस P3 रिस्पॉन्स टाइम इज 5 यूनिट. प्रोसेस P3 रिस्पॉन्स टाइम इज 5 यूनिट. ओके, स्टार्टिंग टाइम माइनस ओके ओ सॉरी सॉरी, आप इसको चेक करेंगे, इट इज 0. ये मैंने यूनिट लिख दिया था, सॉरी मैंने ये यूनिट लिख दिया था, थर्ड यूनिट और फिफ्थ यूनिट. स्टार्टिंग टाइम माइनस अराइवल टाइम, इट इज 0. ओके, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या आया आपका? एवरेज टर्न अराउंड टाइम दैट इज इक्वल टू 6 + 2 = 8 = 19, 9/3, दिस इज इक्वल टू 3. एंड एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू 0. एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू 0. अगर आप चेक करते हैं यहां पे, तो आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी. फर्स्ट वन इज, अगर आपकी प्रोसेस जिस टाइम पे अराइव होती है उसको तुरंत सीपीयू अलोकेट कर दिया जाता है. अगर आपकी प्रोसेस जिस टाइम पे अराइव हुई है उसी टाइम पे उसको सीपीयू अलोकेट किया जाता है, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या होगा? वो यूनिट जिस टाइम पे वो अक्कर हुआ है, मीन्स रिस्पॉन्स टाइम इज इक्वल टू अराइवल टाइम. सेकेंड थिंग, एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू 0. एवरेज वेटिंग टाइम इज इक्वल टू 0. एंड थर्ड यूनिट, थर्ड इज टर्न अराउंड टाइम इज वेरी वेरी लेस. ओके, तो यहां पे आपको पता चलेगा कि आपका वेटिंग टाइम 0 कब होना चाहिए. वेटिंग टाइम 0 आपका तब आएगा जब आपको जिस टाइम पे आपकी प्रोसेस अराइव हुई है उसको अराइव होते ही तुरंत सीपीयू अलोकेट कर दिया जाए, तुरंत उसको सीपीयू अलोकेट किया जाए. ओके, चलिए यहां पे अगर हम एफिशिएंसी फाइंड आउट करें, यहां पे यदि हम एफिशिएंसी फाइंड आउट करें, सीपीयू की आइडलनेस फाइंड आउट करें, सीपीयू की एफिशिएंसी फाइंड आउट करें, तो क्या होगा प्लीज बताइए? सीपीयू एफिशिएंसी क्या होगी यहां पे, कि कितने टाइम के लिए सीपीयू ने काम किया, कि कितने परसेंट सीपीयू आइडल रहा, कितने परसेंट सीपीयू बिजी रहा. यस, अगर आप यहां पे चेक करते हो तो परसेंटेज आइडलनेस यदि हम फाइंड आउट करें, परसेंटेज आइडलनेस सीपीयू की, तो यहां पे आपका सीपीयू आइडल है एंड यहां पे भी आइडल है. कितने यूनिट ऑफ टाइम के लिए आइडल रहा? 2 to 3. 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए आइडल रहा सीपीयू, सीपीयू 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए आइडल रहा. और वहीं यदि आप चेक करें यहां पे, तो यहां पे सीपीयू 1 यूनिट के लिए, मीन्स टोटल 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए आउट ऑफ 11 आपका सीपीयू आइडल रहा. परसेंटेज निकालना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. और सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना आया, परसेंटेज सीपीयू यूटिलाइजेशन दैट इज इक्वल टू 1 माइनस परसेंटेज सीपीयू आइडल, दिस इज नियरली इक्वल टू 9/11. ओके, तो ऐसे आप सीपीयू का आइडलनेस परसेंटेज एज वेल एज सीपीयू का आइडलनेस परसेंटेज एज वेल एज आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन परसेंटेज भी फाइंड आउट कर सकते हो. चेक कीजिए, 2 + 1 = 3, 3 + 6 = 9. 9 यूनिट ऑफ टाइम के लिए आपके सीपीयू ने काम किया एंड 2 यूनिट ऑफ टाइम के लिए आपका सीपीयू आइडल रहा. ओके, तो आप हमारा FCFS में जो हमारे पास डिसएडवांटेज थी, दैट इज कॉन्वॉय इफेक्ट, उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है, दैट इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट.